आकांक्षा दुबे मौत मिस्ट्री में अब तक कई खुलासे हो चुके हैं। इंडिया न्यूज़ इकलौता चैनल है और आपका ये इकलौता डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आकांक्षा दुबे मौत मिस्ट्री की जांच कर रहा है। घर वालों का ये कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन हम होटल के उस कमरे में पहुंचे, कमरे की लॉबी में पहुंचे, कमरे के सामने वाले कमरे में तफ्तीश करते हुए पहुंचे जहां पर आकांक्षा दुबे की 26 मार्च को मौत हुई। जानते हैं हमें क्या मिला? नमस्ते, मैं राशिद। आप चौंक जाएंगे हमें क्या क्या मिला। कमरा नंबर 105, होटल सोमेंद्र वाराणसी, जहां पर आकांक्षा दुबे की मौत हुई। आकांक्षा दुबे की मौत के बाद तफ्तीश शुरू हुई। कमरा अभी भी सील है। मेरे सहयोगी आकाश यादव पहुंचे होटल सोमेंद्र में, पहले तो उन्हें अंदर जाने से रोका गया। ऐसा क्या है होटल के अंदर कि आकाश को जाने से रोका गया? आकाश से जब कमरे के मालिक के भाई ने से भाई के भाई से आकाश ने बात करने की कोशिश की, तो क्यों आखिरकार उनका माइक मरोड़ करके, हाथ हटा करके उनके साथ बदसलूकी या बदतमीजी करने की कोशिश की गई? क्या होटल के अंदर बड़ा राज छिपा है? और सबसे बड़ी बात तो यह है, कमरा नंबर 105, उसके ठीक सामने कमरा नंबर 107, लॉबी में ही कमरा नंबर 107 भी बंद है। जब होटल के बाकी कर्मचारियों से हमने पूछा कि कमरा नंबर 107 में कौन रहता है, कौन रुका था, तो पता ये चला कि यहाँ पर नॉर्मल विजिटर्स नहीं आते हैं, बल्कि एमडी साहब यानी होटल के जो मालिक हैं बीच में आकर के रुकते थे। क्या आकांक्षा के घर के कमरे के, माफ कीजिएगा, ठीक सामने होटल के जो ओनर रुकते थे, इसके पीछे भी कोई राज है? होटल के ओनर हैं कहाँ? अब आकांक्षा की जो माँ है मधु दुबे, उनका ये कहना है पुलिस और होटल का प्रशासन दोनों मिले हुए हैं, दोनों की मिली भगत की वजह से अभी तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ है। ये आकांक्षा की माँ मधु दुबे का कहना है। इस बीच नेहा गायकवाड़ ने क्या कहा, अनुराधा सिंह ने क्या कहा, प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो आकांक्षा दुबे के साथ में काम करते हैं उन्होंने क्या कहा, हमने आप तक खबर पहुंचाई है। लेकिन सवाल है, होटल के अंदर ऐसा क्या है जिस वजह से रिपोर्टर को जाने से रोका जा रहा है? कमरा नंबर 105 और कमरा नंबर 107 का राज क्या है? क्या जिस वक्त आकांक्षा दुबे की मौत हुई उस वक्त कमरा नंबर 107 में कोई था? अगर कोई था तो अभी तक यूपी पुलिस ने तफ्तीश क्यों नहीं की? अगर यूपी पुलिस ने तफ्तीश की है तो होटल के कोई कर्मचारी या फिर अधिकारी को अभी तक डिटेन क्यों नहीं किया गया, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई? यूपी पुलिस वहां तक अभी क्यों नहीं पहुंच पाई जहां तक इंडिया न्यूज पहुंचा है? इंडिया न्यूज ने, मैं सिर्फ अभी होटल की बात कर रहा हूं, आप सोच करके देखें, ये वही होटल है जहां पर मिस्ट्री मैन संदीप सिंह काली टी शर्ट में आया एक बैग लेकर आकांक्षा के साथ में जिस रात आकांक्षा की मौत हुई। संदीप और आकांक्षा दोनों लगभग 17 मिनट तक साथ में थे। 17 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि आकांक्षा ने अपने आप को मौत के घाट उतार दिया? हालांकि मैंने खुद, मेरी पूरी टीम ने आकांक्षा दुबे के सोशल मीडिया वीडियोस की जांच की तो पता ये चला कि कई वीडियोस ऐसे हैं जिनमें डिप्रेशन है, कई वीडियोस ऐसे हैं जिनमें हताशा है, निराशा है, कई वीडियोस तो ऐसे हैं जिसमें इशारों में ये कहा जा रहा है कि आकांक्षा दुबे को धोखा मिला है। आकांक्षा को धोखा देने वाला कौन? एक वीडियो में तो यहाँ तक भी आकांक्षा दुबे कहती नजर आ रही हैं कि माँ बाप अपनी बेटियों को बहुत ही लाड प्यार से पालते हैं, लेकिन बेटियाँ जिससे प्यार करती हैं वो लोग मारपीट करने लगते हैं। ये कहना है आकांक्षा दुबे का अपने लगभग आखिरी वीडियो में, और आँख में आंसू लिए हुए आकांक्षा ये बात कह रही हैं कि आकांक्षा रिश्तों को लेकर के बहुत संजीदा तो थी, क्या रिश्ते में बहुत टूटी थी आकांक्षा? क्या आकांक्षा के साथ में धोखा हुआ? क्या समर सिंह ने आकांक्षा के साथ में धोखा किया? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक वीडियो तो ऐसा है जिसमें समर सिंह जैसे ही अपने भाई संजय का नाम लेता है वैसे ही आकांक्षा के चेहरे का रंग पूरा बदल जाता है, चेहरे का के जो एक्सप्रेशंस हैं पूरी तरह से बदल जाते हैं। राज कई हैं, एक एक करके आपके सामने हम रखेंगे। नमस्ते।